Comment on it. الله يا شكرا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान वला हिजाब यहजुबुह। अल्लाह अकबर। अदीब बिन हातिम बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे अल्लाह ताला जो है वो हम कलाम ना हो। और हालत ये है कि अल्लाह और उसके दरमियान कोई तर्जमान भी नहीं होगा और कोई ऐसा पर्दा भी नहीं होगा जो आड़े आए। अगर के इमाम बुखारी ने जो उन्वान बांधा है उसके अंदर तो वजूह यौम दिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा, यानी उन्वान के अंदर तो उन्होंने जो पहलू लिया है वो रोशन पहलू लिया है अल्लाह की रहमत वाला, कि ऐसे तरोताज़ा चेहरे जो क़्यामत के दिन जो है वो अपने रब को देखेंगे। लेकिन किसी चीज़ को वाज़ह तौर पर बयान करने के लिए उसका जो दूसरा पहलू है वो भी जो है वो वजाहत करता है, यानी मनफी पहलू जो है वो भी मुस्बत पहलू की जो है वो एक वजाहत होती है। इस एतबार से जो अहादीस इमाम बुखारी ला रहे हैं उनके अंदर वो लोग भी हैं जो अल्लाह को देखेंगे लेकिन उनके तरोताज़ा चेहरे नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो उस वक़्त अपने जलाल में होंगे। इस एतबार से जब अल्लाह जलाल में होंगे तो उस वक़्त लोगों की हालत जो है वो खौफ की होगी। तो ये हदीस जो इमाम बुखारी अब लाए हैं इसके अंदर वो दूसरा पहलू है कि क़्यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो हर शख्स से हम कलाम होंगे। अब ज़ाहिर है जब अल्लाह हम कलाम होंगे तो अल्लाह सामने तो होंगे ना, देखना भी इसमें लेकिन ये अब वो देखना नहीं है जो है वो प्यार मोहब्बत का होता है, ये अल्लाह को ऐसी हालत में देखना है जबकि अल्लाह ताला गुस्से में होंगे। और अहादीस में आता है कि अंबिया को जब कहा जाएगा ना सिफारिश करो तो कहेंगे कि आज अल्लाह जितना गज़बनाक है अल्लाह ताला इसके इस तरह के गज़बनाक कभी नहीं हुए। तो असल में यही वो चीज़ है कि अल्लाह की गज़बनाकी, लेकिन इसमें आमने सामने की बात चूँकि है इसलिए इमाम बुखारी इस हदीस को भी ले आए हैं कि इस पर भी गौर करो, ताकि मैंने बताया ना कि मुस्बत को समझने के लिए मनफी की भी ज़रूरत होती है। अब जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है, हाँ जी फलसफी साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह जुमला मुस्बता है ये नाफिया है? देखना तो नफी है, इकबाल ने भी कहा ना नहीं, बल्कि वो ऐसा है कि हरफ ला यानी ला जो है उसको लेकर जो है काट दे, गैरुल्लाह की गर्दने जो है वो काट दे, वो शेर है वैसे मुझे कि वो इससे जो है वो तमाम की गर्दनें काट दे अल्लाह के सिवा। तो इससे यूँ मालूम होता है कि ये जुमला नाफिया है, लेकिन इसलिए नाफिया नहीं है कि इसकी तरकीब के अंदर जो ला इलाह का जो मुकाम है ना वो मुबदल मिन होता है और इल्लल्लाह जो है ये बदल है। और मुबदल मिन हो और बदल के अंदर असल मकसूद जो है वो बदल होता है, मुबदल मिन हो तमीद होती है। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर वारिस साहब जो है वो समझाया करते थे। असल में किसी बड़े आलिम से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि वो ऐसी चीज़ें बता जाता है जो बाद में
इंसान जो है वो बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़े तो हल नहीं होती इंसान। तो वो कहा करते थे कि ये जुमला नाफिया नहीं है, ये जुमला मुस्बता है। इसीलिए ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो अल्लाह से अहद है, तो अहद बनता ही फिर है, वरना अगर ज़्यादा ज़ोर जो है वो हैं जी या तो ये अहद इल्लल्लाह से बनता है, यानी हमारा अल्लाह से अहद है कि हम अल्लाह के अलावा। देखिए मैं तो बड़ा बसा होगा दुख होता है चीज़ की तवज्जो करके कि ये जो लोग इस तरह उंगलियाँ करते रहते हैं ना, ये तो अल्लाह का इकरार ही नहीं है। हकीकत ये है कि बहुत बड़ी चीज़ जो अल्लाह के तौहीद का इकरार था ना, नमाज भी अल्लाह ताला ने किसी और जगह नहीं सिखाई, नमाज में सिखाई है। तो हम नमाज के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे कर करके इसने हमने इकरार ही ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला का। बार तो कहते हैं जब इंसान ये असल में जिनकी नज़र जारी होती है ना, बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये असल में देखना ये है कि मकसद क्या है उंगली उठाने का। तो इसलिए इमाम शाफ़ी के बारे में आमतौर पर जब ये मकासद शरीयत पर किताबें लिखी जाती हैं तो इमाम शाफ़ी से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर इमाम बुखारी आते हैं। तो मकसद ये है कि इन लोगों के सामने जो है वो मकासद की बड़ी अहमियत है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मकासद का बाप कोई अलग नहीं है। असल में मकसद अगर सामने हो तो नस बनती है, वरना नस ही नहीं होती। बात यह कि उनकी गुफ्तगू इस बारे में कोई सरी वाज़े नहीं होगी, तो जिनकी गुफ्तगू है इसलिए उनका जिक्र है ना। वैसे तो इमाम अबू हनीफा भी कम नहीं है मकासद में, लेकिन सिर्फ मतलब यह है कि इमाम शाफ़ी ने चूँकि वाज़े सरी गुफ्तगू की है, और इमाम बुखारी की तो पूरी किताब जो है वो भरी हुई है मकासद शरीयत से। तो इसलिए मैंने जो अपने थीसिस के अंदर मकासद शरीयत की बात की है, तो इसमें मैंने शुरू तो किया इमाम शाफ़ी से, फिर उसके बाद मैंने इमाम बुखारी को जिक्र किया है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि वो लोग कायल नहीं थे, असल में एक चीज की सराहत होती है। अब जैसे तौहीद के बारे में जितनी सराहत जो है इमाम अबू हनीफा के यहाँ पाई जाती है औरों के यहाँ नहीं पाई जाती। यानी आप ये देखिए कि इसमें आज़म क्या है, अब किसी इमाम का कोई कौल नहीं है सिवाय इमाम अबू हनीफा की कि इसमें आज़म असल में अल्लाह ही है। तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह जब दिल की गहराइयों से निकलता है ना तो इसमें आज़म बन जाता है। वैसे अगर मुंह से कहे तो हैं जी, फिर इसके अंदर एक अलग सी तासीर पैदा हो जाती है, एक तासीर पैदा हो जाती है। तो उन्होंने अच्छा, या इनका कौल है इमाम अबू हनीफा का या जुनैद बगदादी का है, कि वो कहते हैं कि अल्लाह ही इसमें आज़म है, कोई नया नाम नहीं है, कोई अल्लाह ही इसमें आज़म है। लेकिन इसको अगर दिल की गहराइयों से जो है वो ये नाम दिया जाए तो फिर ये इसमें आज़म बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वही कलाम एक शख्स जो है वो अपनी अपनी कैफियत के अतबार से, ईमानी कैफियत के अतबार से जब बात करता है तो उसकी तासीर और होती है, एक दूसरा आदमी उसकी तासीर और होती है। जैसे कि नीयत की हम बात करते हैं ना, कि एक आदमी जो है वो बेचारा, उसके पास माल थोड़ा होता है लेकिन वो अपने बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आता है, वो कहीं आगे बढ़ जाता है उस शख्स से जो ज़्यादा माल लेकर आया है, उसकी वजह ये सारी नीयत है। इसी तरह नीयत के साथ ये जो कल्बी कैफियत है ना, इसकी बात बहुत अहम है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वा अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम वा अमालिकुम। नीयत होती दिल से है, और ज़ुबान से तो होती नहीं, नीयत नीयत होती दिल से है। नहीं नहीं, बात यह है कि जो कल्बी कैफियत होती है वही जब दिल का एक फेल होता है ना, दिल का एक फेल होगा तो नीयत बन जाएगी। कल्बी कैफियत जो है वो भी एक कैफियत है, लेकिन उसका एक तरह से जब किसी काम करते वक्त जो फौरी नीयत बनती है ना, वो फिर काम के अंदर खुद शामिल रहती है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको बताया ना कि नीयत बराबर शामिल रहती है। इसी से सवाल किया था मुस्तफा साहब ने कि क्या दरमियान में नीयत अगर बदल दी जाए, बदली जा सकती है? मैंने कहा था कि हाँ, नुसूस से ये साबित होता है कि नीयत बदली जा सकती है। जैसे कि आप देखिए कि लोगों ने आम हज का एहराम बांधा हुआ था, अल्लाह के रसूल ने सब कुछ जो है नीयत बदल कर तमत्तो करवा दिया, दरमियान की बात है।
इसी तरह अगर इंसान, अब मसाइल तो बहुत निकलते हैं, इंसान नमाज पढ़ रहा है तो अब उसे याद नहीं रहा कि मैंने मिसाल तौर पर असर की नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन उसे याद नहीं है कि मैंने ज़ोर की नमाज़ नहीं पढ़ी, रस्ते में याद, दरमियान में याद आ जाता है कि मैंने तो ज़ोर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, उसी वक्त जो है वो दरमियान में नियत बदल कर जो है वो ज़ोर की नमाज़ की नियत कर ले, असर फिर बाद में पढ़ ले, तो नियत बदली जा सकती है। चलिए जी, यहाँ जो लफ्ज़ आया ना कि अल्लाह के दरमियान, उसके दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा, और ये है कि कोई पर्दा भी नहीं होगा, जहाँ ये ठीक है पर्दा नहीं होगा, लेकिन ये जो सारे लोगों से जो गुफ्तगू है ना वो प्यार मोहब्बत की नहीं होगी, वो तो अमाल के ये तो असल में ये हिसाब किताब की बात है ना, तो जब हिसाब किताब हो तो उस वक्त जो है वो आप यूँ समझिए कि वैसे तो अल्लाह के दरमियान और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी वस्फ़ फाइल है, और वो वस्फ़ क्या है कि अल्लाह ताला इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जैसे एक बड़े को जो है वो देखने में एक रुकावट होती है, ये जो लफ्ज़ आता है ना कि गज़े बसर का, तो उसके अंदर क्या लफ्ज़ है, अब ताबीना गैर उल इरबा, कुरान मजीद ने मिनर रिजाल, तो यहाँ भी यही चीज़ आई होती है, बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो ताबे होते हैं उनके यहाँ एक जो है वो खौफ होता है, और खौफ की वजह से वो अब जिसके ग़ुलाम हों या जिसके वो ताबे हों वो फिर उस खौफ की वजह से नज़र भर के नहीं देख सकते, तो इस एतबार से यहाँ वो लोग भी मुराद हैं। चलिए जी, तो यहाँ जो लफ्ज़ आया था ना वला हिजाब यह जो बहू, मैंने असल में उसकी वजाहत की है, वैसे तो अल्लाह के दरमियान और हमारे दरमियान में जो है वो एक बढ़ाई की का वस्फ़ मौजूद है, और वो बढ़ाई का जो वस्फ़ है उसी की ताबीर है कि रिदाउल किबर, फिर ये बढ़िया मेरा हदीस आगे आ रही है, हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह हद्दसना अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल समद अन अबी इमरान अन अबी बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न कैस अन अबी है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رضاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أكبر الله أكبر. किस तरह जो है वो कुरान मजीद हदीस के साथ मिलकर जो है वाज़े होता है, यानी हदीस किस तरह कुरान की खिदमत करती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान उन पर उतरा है और आपकी जो पूरी गुफ्तगू है वो कुरान मजीद को ही आप समझिए कि चलता फिरता कुरान, कुरान मजीद के अंदर वलिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान, इसका क्या माना है कि जो अल्लाह का खौफ खाने वाला है उसके लिए दो जन्नतें होंगी वो जन्नत के अंदर ही, यहाँ जन्नतान से मुराद बाग हैं, दो आला किस्म के बाग जो हैं वो इसके अंदर दो किस्में हैं जन्नत में जाने वालों की, एक तो वो हैं जो साबिकून अलवलून हैं जिनके बारे में असल्लत मिन अलवलीन व क़लील मिन अलआखिरीन, तो साबिकून अलवलून जो है उनके लिए दो जन्नतें वो होंगी जो सोने की हैं, यानी उनके बर्तन भी उनकी हर चीज़ जो है वो सोने की होगी, यानी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है
ये नहीं खाने पीने की चीज़ें भी सोना बन जाए, वो तो ज़ाहिर है सोना खाया तो नहीं जाता। बात कहने का मकसद है कि उनके बर्तन और जो कुछ उसके अंदर उन दोनों के अंदर होगा, तजमे में तो यह है कि पहले चांदी का जिक्र आया फिर जन्नत सोने का जिक्र आया। तो जो असहाबुल यमीन है ना ये भी जनती है ना, लेकिन इनका दर्जा जो है वो साबिकुन अव्वलून से कम है, सूरत वाकिया में जो तशरीह आई है। तो कहा कि दो जनते जो हैं उनके बर्तन और जो कुछ उनके अंदर और चीज़ें हैं तमाम जो है वो चांदी की होंगी, मतलब ये इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो जैसे आप घर जो हैं वो चांदी के हों, और इसी तरह जो है वो हमारी मसहरियाँ, इसी तरह और इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो। लेकिन आनिया तो हम आपका ख़ास तौर इसी ज़िक्र किया कि ये मना है कि बर्तन जो हैं वो सोने और चांदी के इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन वहाँ जो है वो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो वह जन्नत आने मिन ज़हबिन आनियतुहुमा, यानी आप यूँ समझिए ना फिज़तिन आनियतुहुमा, यानी ये पूरा बनकर जुमला फिर जन्नत आन की खबर बनता है। तो इस तरह सोने के दो बाग होंगे और उनके बर्तन जो हैं वो और जो कुछ उसमें और चीज़ें होंगी वो सोने की होंगी। अच्छा वमा बैनल कौम व बैना अयंदुरो इला रब्बिहिम, लोगों के दरमियान और उनके रब के दरमियान जो है कोई चीज़ हायल नहीं होगी सिवाए अल्लाह ताला की किबरियाई। ये रिदाउल किबरिया जो है ये देखिए ना, मैं वैसे तावील नहीं करता लेकिन मुहावरे तो अरबी ज़बान के जो हैं उनको सामने रखना चाहिए ना। एक चीज़ मुहावरे में इस्तेमाल होती है इसलिए उसका मफहूम जो है मुहावरे में वाजह है कि कोई अल्लाह ताला को अलग चादरें बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी जब एक अल्लाह की वजाहत और बढ़ाई ही इतनी अजीम है तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये चादर है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला के बारे में जो कुछ आ चुका, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह के हाथ, अल्लाह की आँखें, इसी तरह जो है वो अल्लाह का मुंह, फिर जो है वो कदम वगैरह, ये पिंडली, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हम इनको मानते हैं। लेकिन वहाँ जो है वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं एक जिनका एक और तरह का वजूद होता है तो मखलूक नाम, तो इसलिए मखलूक के बारे में तो कोई नहीं, अल्लाह ताला के जो ये औसाफ़ हैं ये मखलूक नहीं है, ये तो खैर अल्लाह के रब्बुल आलमीन के हैं। लेकिन वैसे मखलूक के अंदर तो ये चीज़ें जो हैं वो आज़ाद समझे जाते हैं ना जवारे, लेकिन अल्लाह के बारे में जो है वो हमारे सलफ का तरीका यही है कि वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को मानते हैं लेकिन इसकी हम कैफियत में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर उससे कोई मुहावरतन कोई चीज़ जो है वो साबित होती है तो वो उसको लाजिम समझते हैं, बल्कि है तो उसूल फ़िक़्ह अनफ़ी, उसके अंदर ये है कि जब किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो एक उसका लुगवी माना होता है और एक उसका उर्फी माना होता है, तो लुगवी माने के ऊपर उर्फी माने को तरजीह होती है। तो इस तरह से मकसद यह कि अरबी ज़बान के मुहावरे जो है ना इनको नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि रिदाउल की बरिया जो है ये एक वस्फ है। हर तो कोई नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई मुहावरा ऐसा बनता है जिसमें हर्ज कोई ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलता, असल में आप देखिए सल्फ ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अलमाना मालूम बल कैफ़ मजहूल, बल कैफ़ मजहूल वसवाल वन बिदा, ये इमाम मालिक का जो कलाम है इसने बहुत दरवाजे बंद कर दिए। तो रिदाउल किबरिया का माना कमा यदि बिजरारी भी ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि आज के जो ख़ास तौर पर हनफी अहलुल राय हैं उन्होंने तो अब और ही सूरत बना दी, वो कहते हैं कि तद माना ही ना करो, यद का माना ना करो, साग का माना ना करो, और ये इसलिए वो मुफ़व्विज़ा बने हुए हैं
और कहते हैं कि आइमा अरबा भी मुहाफ़िज़ा थे, इसी पर जो है वो ज़ुबैर ने जो मज़मून लिखा था मुहद्दिस में, फिर उस जो है वो मरी सलीमुल्लाह का अद किया था। तो चेहरा जो है ये अल्लाह का चेहरा है, बाकी कुरान मजीद में चेहरे का इस्तेमाल जो है वो अल्लाह की रज़ा के मानों में भी हुआ है, लेकिन यहाँ आप रज़ा के मानों में तो खैर नहीं आप यहाँ करना चाहिए, लेकिन वैसे जो लवाजिम होते हैं वो भी जो है वो मुराद होते हैं, यानी ये मतलब नहीं है कि चेहरा खुद तदरीजी मानों में नहीं होता। तो इसीलिए जो सल्फ का तरीका है ना वो ये है कि वो जमा के कायल हैं, असल तो उसको लेते हैं जो मसलन चेहरा हो या हाथ हो, लेकिन उसके जो लवाजिम हैं कोई उससे वो मुराद दे तो उसका भी इनकार नहीं करते, कहते हैं हाँ उसके लवाजिम भी जो है वो साथ शामिल हो जाते हैं। सर ये लवाजिम मजाजी माना क्या है? नहीं नहीं ये मजाजी माना नहीं होता, ये एक एक मसलन आप देखिए ना इंसान के कुछ कैफियतें ऐसी हैं जो जानवरों में नहीं पाई जाती। ख्याल ये है कि जानवर हंसते नहीं हैं, अगरचे कहने को तो बंदर भी हंसता है और भी जो है वो कई चीज़ें हंसती नज़र आती हैं, लेकिन ज़ेक से मुराद वो जो पीछे खुशी होती है ना एक नफ्सियात, कहा ही जाता है कि वो नफ्सियात सिर्फ इंसान की हैं, वो और जानवरों में नहीं है, उनकी शक्ल से मालूम होता है कि वो तो हंसता है तो उसको नहीं उसके पीछे जो खुशी होती है ना हाँ तो वो नहीं है। तो इसलिए ज़ेक जो है वो इंसान का वस्फ़ लाजिम है, यानी इंसान का ये हिस्सा नहीं है, ये उसका वस्फ़ लाजिम है। असल में मैं इसी इसके पीछे नहीं लगाता, मनातिक तैर जो है ना उस लफ्ज़ ने मुझे रोका हुआ है। वैसे तो हमारी जो है वो हैवान मुतलक तो इंसान को ही कहते हैं, हैवान नातिक तो इंसान को कहते हैं, लेकिन ये असल में फ़लासफ़ा की तवीरें हैं, इस हम तो कुरान को लेते हैं। मनातिक तैर ने कि अगर हैवान नातिक सिर्फ इंसान है तो ये मनातिक तैर क्या है, इसका मतलब था क्या है कि जानवर जो गुफ्तगु आपस में करते हैं उनको एक दूसरे की गुफ्तगु समझ आती है, समझ आती है। अगर ना समझ आए तो आपको पता है कि किस तरह माँ और बच्चे को जो है वो आपस में ताल्लुक होता है जानवरों का? नहीं वो तो होता है, लेकिन साइंसदान ये कहते हैं कि चींटी गुफ्तगु नहीं करती, बोलती नहीं है, तो फिर क्या है? वो कहते हैं कि सिर्फ उसके जरिए ना जिस तरह हमारा मोबाइल चलता है लहरों के जरिए, ये लहरों के जरिए गुफ्तगु करती है। आपको बताऊं कि ये बातें बासुत सोचो विचार की नहीं तजर्बे किए गए हैं, मुशाहिदा किया गया है इसके, लेकिन ये मुशाहिदा ऐसा है मुसलसल इर्तका होता है इसका, तो इसी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो अभी मुशाहिदा ये हतमी है, पता नहीं कल को कोई और निकला है। साइंस के अंदर तो मुसलसल इर्तका रहता है नज़रियात का, इसलिए कुरान मजीद की जो तबीर है उसके अंदर इर्तका इस तरह का नहीं है। चलिए मेरे ख्याल में बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, लंबी हो रही है, बल्कि मेरा ख्याल ये था कि यह बात जल्दी हम ख़त्म कर दें ताकि और हम आगे भी बढ़ें। अच्छा चलिए जी, हद्दसन अल हुमैदी, आपको ये पता है ना कि हुमैदी जो हैं इनका नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने बेटे का नाम जो है वो अब्दुल्ला रखा था, ये इमाम मेहदी है, इमाम हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हद्दसना सुफियान व हद्दसना अब्दुल मलिक इब्ने आयना व जामे उबनो अबी राशिदिन अन अबी वाइलिन अन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इख्तता माल अम्रिन मुस्लिमिन बियमीनिन काज़िबतिन लक़ियल्लाह बहु अलैहि ग़ज़बान क़ाल अब्दुल्लाह सुम्मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ताक़हु मिन किताबिल्लाह جل ذكره ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله جی اس حدیث کا ترجمہ تو واضح ہی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کا مال جو ہے جھوٹی قسم کھا کے ہتھیا لیتا ہے تو
अल्लाह से वही हालत में मिलेगा कि अल्लाह उस पर बहुत गुस्से होंगे। अब देखें ना, लिका का लफ्ज़ तो मौजूद है, अब यहाँ वो जो है वो वजूह यौम नाजरा ला रब नाजरा नहीं है, इसका दूसरा पहलू है, मनफी पहलू। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने जो कुरान की आयत पढ़ी है कि ये उस आयत का ये मिस्ताक है, यानी ये बात जो है ना, ये उस आयत का मिस्ताक ये है, आयत मिस्ताक नहीं है। मिस्ताक उस चीज़ को बोलते हैं कि जब कोई एक तसव्वुर हो तो उसका कोई नमूना आप पेश करें, उसको बोलते हैं मिस्ताक। यानी उस तसव्वुर का इतलाक जहाँ जहाँ होता है वो तमाम मिस्ताकात होंगे। तो चलिए जी आगे चलते हैं। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद, हद्दसना सुफियान वन अमर अनबी सालह अनबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासत ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमुल क़ियामत वला यंज़ुरु इलैहिम रजुल हलफ अला सिलातिन लक़द ओतिया बिहा अक्सर मिम्मा ओता वहु काज़िब वरजुल हलफ अला यमीन काज़िबतिन बाद अल असर लियक्ततिया बिहा माल इम मुस्लिम वरजुल मना फ़ज़ल माइन फ़यक़ूलुल्लाह यौमुल क़ियामा अल्यौमा अमनाउका फ़ज़ली कमा मनाता फ़ज़ल मालम तामल यदाका। अल्लाह अकबर। अब यह है कि अबू हुरैरा ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो ये तीन आदमियों से ना तो कलाम करेंगे और ना उनकी तरफ जो है वो मोहब्बत की नज़र से देखेंगे, कलाम और उनकी तरफ तवज्जो, यानी अल्लाह उनसे लापरवाह होंगे कि ये तो कोई मेरे प्यारे तो नहीं है, प्यारों में अल्लाह की तवज्जो होती है। हरजुल हलफ अला सिलातिन, सिला का लफ्ज़ जो है ये तजारती माल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, वैसे दो तीन लफ्ज़ हैं जरा करीबुल माना, क्योंकि ख़ास तौर पर जब इकोनॉमिक्स का मसला आता है तो ये इस्तेलाहत उस वक्त अहमियत इख्तियार करती हैं। एक लफ्ज़ होता है सिला और एक लफ्ज़ होता है बिज़ा और इसी तरह एक लफ्ज़ है मता भी है चलिए और एक है बुज़ा। हाँ, इसमें फ़र्क है। तो सिला उस चीज़ को बोलते हैं, कारोबारी जो माल होता है उसको सिला कहते हैं, और बिज़ा जो है ये आम माल को कहते हैं, आम माल को। तो इसके बाद अब माल की कई सूरतें हैं। इंसान की इज्जत जो है ये भी एक माल है, एक कीमत रखती है। इंसान की इज्जत, इंसान का तजुर्बा, इंसान की वजाहत, ये भी जो है वो एक कीमत रखती है अपना हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर ख़ास तौर पर। बुज़ा का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है एक पूंजी के लिए। व शराहो बेसमन बख्सिन दराह ममादूदा व कानू फ़ी मन ज़ाहिदीन, उससे पहले एक लफ्ज़ है अब बजे नहीं, वो और लफ्ज़ है वो आगे है। यहाँ जो है ना बशरा बेसमान बख्सिन से पहले क्या अल्फाज हैं आप माशाल्लाह यहाँ हाफिज कर, आप हाफिज नहीं, मैं तो खैर माजूर हूँ लेकिन आप तो माशाल्लाह जवानी की उम्र है तो इसलिए आपको तो पीछे जल्दी याद आना चाहिए, कुरान के हाफिज हैं आप माशाल्लाह। वो कहते हैं ना बुशरा हाजा गुलाम व असर रूह बिज़ा, व असर रूह बिज़ा, उन्होंने जो है उसको छुपा लिया एक कीमती चीज़ समझकर। तो इसलिए मैंने इसका तर्जमा किया ना, पूंजी जो है वो एक कीमती, फलां के पास तो एक पूंजी मौजूद है माल की, तो कीमती चीज़ को जो है वो यहाँ कहा है बिज़ा। और इसका जो बड़ा इस्तेमाल है ना इकोनॉमिक्स के अंदर उसको बोलते हैं कमोडिटी। कमोडिटी
एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा अहम है, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए कि जब भी गुफ्तगू होती है ना तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कि किस 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 चीज़ की कोई कीमत है। जिस चीज़ की कोई कीमत होती है वो तमाम के तमाम जो है बेजा असर तो असासा को बोलते हैं। नहीं नहीं, असासा और चीज़ है। असासा आमतौर पर ये जो हमारे कुर्सियाँ मेज़ें और इस तरह की जो सामान होते हैं ना उनको असासा कहते हैं। अल्लाह अकबर। चलिए जी, ये तो बात आई थी लफ्ज की। तो एक आदमी जो है वो अपने तिजारती सामान पर कसम उठाकर कहता है कि मैं अब जो दिया जा रहा हूँ इससे पहले मुझे इससे ज़्यादा इसकी कीमत मिलती थी। ये बेचने के अंदर मुझे तो पैसा बड़ा मिलता था, अब मैं आपको तुम्हें सस्ता दे रहा हूँ। वह हुआ काजमुर, झूठा होता है, इसलिए उसने तो माल बेचने के लिए सारा काम करना होता है। वरजुलन हलफा अला यमीन काजिबतिन, और एक वो शख्स जिसने जो है वो झूठी कसम खाकर जो है वो किसी के साथ जो है वो कोई यानी वादा वईद कर लिया, हलफ उठा लिया। तो और ख़ास तौर पर असर के बाद, अगर ये असर के बाद जुमे का दिन तो बहुत ख़तरनाक है, इसलिए कि वहाँ एक घड़ी आती है जिसके अंदर हर चीज़ कबूल हो जाती है। लेकिन जुमे के अलावा भी जब सूरज जो है वो डलना शुरू हो जाता है तो उस वक्त अल्लाह की कुर्बत होती है। तो इस वजह से असर के अंदर तेज़ी और यह है कि तेज़ी असर के वक्त ज़्यादा आती है। अच्छा, और अल्लाह ताला जो है वो उस वक्त देखते हैं कि फ़ी है रिजाल, ये वो कैसे है रिजाल यह पूरा ही होता नहीं, वो ऐसे लफ्ज़ है ना कि रिजाल्ला तुलहिम तिजारा तुम वला बई उन अनजिक्रिल्ला। तो अल्लाह ने यह असर की नमाज इसीलिए इसकी ताकीद की है कि ये असल में इंसान का इम्तिहान है कि इंसान जो है वो अल्लाह से कितना प्यार करता है। और जिसको नमाज की परवाह नहीं होती उसको मुनाफिक कहा है, कि जो लोग हमेशा असर की नमाज लेट पढ़ते हैं वो मुनाफिक हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे यहाँ हनफियों को, ये नमाज हमेशा ही ख़राब करके पढ़ते हैं। जब सूरज जो है वो डलना शुरू हो जाता है ना फिर ये नमाज़ पढ़ते हैं। यह है सिर्फ वही ज़िद जो मसाइल के अंदर ज़िद है, फ़िरकाबंदी की जो ज़िद है। तो उसके बाद यह कि वो आदमी जिसने जो है वो फालतू पानी रोक लिया, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह आपको ये बताऊं कि फालतू पानी बेचा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि एक आदमी जो है वो उसका तिजारत का काम ही ये हो। तो वो एक होता है फालतू पानी किसी के पास है और दूसरा जो है वो प्यासा मौजूद है, ये फालतू पानी उसको देना वाजिब है। तीन चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरे को जो है वो बग़ैर किसी कीमत के देनी वाजिब है, एक फालतू पानी, एक आग और एक घास। तो तीन चीज़ें सूरत में जब फालतू हो या उसका कोई मेहनत ना हो। नहीं नहीं, मकसद ये उसके अंदर मेहनत शामिल नहीं होती, लेकिन फालतू का माना यह है कि मैं मेहनत करके एक बोतल भर लाया हूँ, अब मेरे पास एक आदमी प्यासा मौजूद है तो मैं को मैं तो बोतल भर के लाया हूँ, मैंने तो मैं नहीं देना, ये भी फालतू है। मतलब इंसान की हाजत से ज़ायद है ना, ये दोबारा भी बोतल भरी जा सकती है। तो इसलिए वैसे इस पर अल्लाह ताला मज़ीद इल्म फ़ज़ल से नवाजे, डॉक्टर फजल लाई को उन्होंने अत्तदाबिरुल वाकिया मिनर रिबा जो थीसिस लिखा था अपना माजिस्टर का, मेरे ख्याल में शायद PhD का है, यानी वो तदाबीर जो सूद से बचाने वाली हैं, उसके अंदर उन्होंने इस पर अच्छी बात की है। तो अल्लाह अकबर अल्लाह। वैसे तो साफ सी बात है कि अपने शागिर्दों के बारे में बड़ी उम्मीदें होती हैं, मेरा ये ज़हन था कि फ़ज़ल अली साहब जो हैं वो इन मैदानों में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी ऐसी बना ली कि वो इस मैदान में आते ही नहीं, सिर्फ दावती उमूर जो हैं उन्होंने अपने लिए मखसूस कर ली। अगर ये अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है, तरतीब भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो इन कामों की तरफ नहीं आते, हालांकि ये मैदान जो है वो काम करने वाले हैं। इसी तरह जो आम तौर पर
या फिर सईद वगैरह जो हैं, इन लोगों से मेरे दिल के अंदर एक खर्श मौजूद है कि मैंने इनको जो है वो जब ये इज्तिमाई मैदानों के अंदर इनको मैं दर्स देता था तो पहले तो ये यही मुझे पढ़ते थे, पांच सात साथी हो जाते थे, आप सईद भी, ज़फ़र इकबाल भी, ज़फ़र इकबाल के भाई मियाँ ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इसी तरह जो है वो हारून जो साद के वालिद हैं, ये सादी आता है ना, इसके वालिद हारून, तो ये सारे लोग मुझे पढ़ते थे। तो ये बड़े उन दिनों मुतासर थे कि मदनी साहब को जो है वो किस तरह जदीद जो मसाइल हैं उनके ऊपर तबसरे करते हैं और उनकी हकीक़त से वाकिफ़ हैं। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पाँच छः आदमी हैं, बेहतर ये है कि हम एक क्लास बनाएं जो कम से कम 25 आदमियों की हो। तो उसके लिए फिर हमने, ये 1981 की बात है, तो उसके लिए फिर इन्होंने ऐसा काम किया कि मेरे साथ मिलकर जो है वो ये मेहनत की। अब चूँकि मैं तो वैसे ये जो मुझे डिप्रेशन का हर्दा ही उस वक्त भी था, ये मेरा 50 साल पुराना है, लेकिन उम्र के साथ साथ जो है वो बढ़ता चला गया है। तो फिर इन्होंने जब मेरे साथ मिलकर मेहनत की तो उसका बहुत फिर फ़ायदा हुआ, यानी आप हैरान होंगे कि तकरीबन 1000 आदमी जो है ना कानूनदानों में से, जिनमें जज भी शामिल थे, वो इम्तिहान हम दे रहे थे सामने के ग्राउंड में, हमने टेंट लगा कर जो है ना इनके इम्तिहान लिए थे। तो अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी कि हमने 25 आदमी लेने थे, 25 लेने थे उलमा में से और 25 हमने लेने थे कानूनदानों में से, तो वो 50 की बजाय जो है 250 आदमी जो है कामयाब हो गए उनमें से, 1000 आदमियों में से। और फिर उसके बाद हमने बड़ा सख्त इंटरव्यू किया, पहले इम्तिहान ही बड़ा सख्त दिया था, लेकिन उसमें जो लोग इम्तिहान देने वाले होते हैं उनको तरीके आते हैं, वो नंबर देने का तरीका जो है उनके पास होता है। तो फिर हमने बड़े सख्त इंटरव्यू किए और एक जज था जो बाद में मेरे पास आया करता था, वो कहता था कि वो इम्तिहान इतना खौफनाक था कि बस इंटरव्यू के वक़्त जो है वो जज होने के बावजूद जान निकली हुई थी। तो हमने इस तरह से जो है वो जस्टिस बदीउज़्ज़मान के कौस साहब इंटरव्यू लेने वाले, या सम ज़फ़र इंटरव्यू लेने वाले, इसी तरह मैंने ये हाफिज अला यार साहब थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, इनको भी शामिल कर लिया, खालिद अलवी को भी शामिल कर लिया, कि हम सब एक ऐसी पार्टी बनाई जो तजर्बाकार पार्टी थी, हैं जी, जो किसी को कामयाब ना हो नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए 150 कामयाब हो गए इंटरव्यू में, 150 की तादाद कामयाब हुई, 50 की बजाय 150 हो गए। फिर हमने उसके बाद सिफारिशें जो है वो मैं आपको तफसील में नहीं जान सकता, इतनी ज़बरदस्त सिफारिशें कि पुलिस के बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो अपने बेटों की सिफारिशें लेकर जो है पुलिस वर्दियों में आ जाते थे, हमें परेशानी भी होती थी, लेकिन फिर 37 आदमी हमें सिफारिशों से रखने पड़े, तो इसी हमारी पहली क्लास 187 की थी। तो बताना मैं चाहता हूँ कि लेकिन उसके बाद जब से आफत सईद को मैंने सऊदी अरब भेजा, उसके बाद मैंने काम इदमी नहीं करना, मैंने ज़बरदस्ती कोई नहीं की, मैंने कहा भी ठीक है अवामी काम करो, लेकिन अवामी काम करिए, मैंने जो दरवाज़ा इसका खोला वहाँ इसने कोई ना कोई उलझन डाल ली, लंबी बात हो जाएगी। फिर उसके बाद ये इसी तरह होते होते जो है वो जिहादी सरगर्मी में चला गया, हालांकि मैं इसे कहता था कि तुम इल्मी काम करो, आज भी मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें सजा मिली है इस बात की कि तुमने इल्मी काम नहीं किया, हालांकि तुम्हें पता था, उलमा को तो खैर तवज्जो ही नहीं, वो तो वैसे शाखों पर बैठे हुए हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि मेन मुआशरा जो है वो क्या है। चलिए जी, तो अल्लाह कहेंगे कि आज मैं तुम्हें जो है वो अपने फजल से जो है वो रोक रहा हूँ, जिस तरह तुमने उस चीज़ को रोका जो तेरे हाथों की कमाई नहीं थी, यानी पानी तो हाथों से नहीं मिलता, ये असल में अल्लाह की नेमत है कि कुल्ला राय तो मिन, वो क्या है कुल्ला राय तो मिन, कैसी है जी सूरत, हाँ वही क्या लफ्ज़ दोबारा दोहराइए, हाँ इन असबा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन, अल्लाह बताते हैं ना, अल्लाह बताते हैं लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं करना होता, हम तो कहते हैं ये पानी मुफ्त की चीज़ है, हमें तो पानी की कोई कदर नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माशरा था वहाँ तो पानी की बहुत कदर थी, बल्कि पानी की कदर की वजह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, किसी ने पानी फेंका अपने घर से उनके ऊपर पड़ा, तो उनके साथ एक और साथी भी था, तो
उसने सोचा कि ये गंदा पानी ना हो, तो उसने कोशिश की कि इनसे पूछें कि गंदा पानी तो नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको रोकते रह गए, उसने आवाज़ दे दी। तो अब वो जब बाहर आ गया आदमी घर वाला, तो उसने पूछा कि ये पानी गंदा तो नहीं था। हज़रत उमर ने कहा हमें नहीं बताना, हमें नहीं बताना, बिल्कुल चुप। अब देखिए हज़रत उमर का अंदाज ये था, इज्तिहाद, कहते हमें नहीं बताना, मतलब ये था कि जब इसने बता दिया हमें तो मुसीबत बन जाएगी। तो इसलिए ये है इस्लाम का अंदाज, इस्लाम की नरमियाँ और इस्लाम के अंदर छूट। मा जालल्लाहु लियजल, कैसे है कि मा युरीदुल्लाहु लियजल अलैकुम मिन हरजिन जी। तो इस्लाम का जो मिजाज है ना वो छूट का है, फिर तदरीज भी इसके अंदर है, वो भी आसानी की वजह से है। नहीं, सजा सुख की कोई बात नहीं, ऐसे खाम खा आप नई पच्चर लगा देते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि बचाते थे कि हमारे ऊपर ये पानी पड़ा है, अगर ये नहीं इसका मतलब पता कि मेरे पास इसमें बड़े मुझे वास्ता पड़ा है वामी मरीज़ों से। तो हकीकत यह है कि वामी मरीज़ जो है वो वास्ता पड़ता है, इंसान को समझ आ जाती है। वो हाफिज़ में रोपड़ी राम तो ला रहे हैं कि एक साथी थे बेचारे, उनको बड़ा वाम था, तो वो कहते थे कि वो उसको ये बोके होते थे ना, ये कुएं में डाल के जो है पानी निकालते थे, तो वो कहते थे कि वो बेचारा क्या करता कि कुएं से पानी निकालता, तो निकालने के बाद वो जो अपने हाथ धोते धोते ही वो बोका सारा ख़त्म कर देता। ये आपको बताऊं कि ये वाम की तकलीफ़ अगर हो जाए बड़ी ख़तरनाक तकलीफ़ है, और इसका इलाज किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जिन घरानों में ज़्यादा जहानत होती है ना, उनके अंदर वाम का अर्ज़ा भी आ जाता है, जल्दी आ जाता है। तो मुझे चूँकि ऐसे मरीज़ों से वास्ता पड़ा है, इसलिए मैं बड़े मसलों में नरमी इख्तियार करता हूँ, इसलिए कि अगर नरमी ना करूँ तो वो वामी मरीज़ तो मर जाएँ जी। हाँ, सख्ती करते करते इसलिए हमारे वारिस साहब भी ये कहा करते थे कि वलयु शाद दीन अहदुल्ला गलबहू, अदीन युसरन, दीन आसान है और कोई आदमी जो है वो दीन को सख्त नहीं करता, उसका नतीजा ये होता है कि वो आजिज़ हो जाता है और दीन उस पर गालिब आ जाता है। ये वामियों के बारे में ख़ास तौर पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए जी, हद्दसना मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना, अब ये हदीस जो है वो आज ख़त्म कर देते हैं ना, इंशाल्लाह टाइम भी काफ़ी है। तो हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद, हद्दसना सुफियान, अन अमर नबी सालह नबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौम अल-क़ियामत वला यन्ज़ुरु इलैहिम रजुलुन, ने इत पढ़ लिए। अगली है हद्दसना मोहम्मद इब्न मुसन्ना, हद्दसना अब्दुल वहाब, हद्दसना अय्यूब अन मोहम्मद अन इब्न अबी बकरता, ये मोहम्मद से मराद मोहम्मद बिन सीरीन है और अबू बकरा का बेटा, अबू बकरा वही है जिसका मशहूर मसला है, जिसने वहाँ जूतियों से जो है रुकू करते हुए रुकू में शामिल हुआ था। अनिन नबी सल्लम काल अज़मानो कदिस दारा कहियत ही यौम खलक समा खलक अल्लाहुस्समावात वल अर्द अस्सुन्नतु इसना अशर शहरन मिनहा अरबातुन हुरुम सलासतुन मुतवालियातुन ज़ुल्क़ादा व ज़ुल्हज्जा वल मुहर्रम व रजब व मुदारा अल्लज़ी बैना जुमा बैना जुमा दा व शाबान अयो शाहरिन हाजा कुलना अल्लाह रसूल आलम। ये जो लफ्ज़ जुमादा है ना, ये हमारे हाँ अक्सर लोग जो हैं वो बहुत गलत पढ़ते हैं। नहीं, वो तो जमादी कहते हैं, जमादी, ये असल जमादी नहीं है, ये असल में जुमादा है। और फिर इसके बाद इसका जो वस्फ है ना वो मुअन्नस आता है, तो जमाद अल उला और जमाद सानिया या जमाद अल आखिरा। मैं तदरीज के साथ इस तक पहुंचा हूं, वरना मुहद्दिस से मैंने शुरू में निकाला तो मैं वही जमादल अव्वल जमादल सानी लिखा करता था, उसके बाद फिर मुझे समझ आई तो मैंने जमादल सानिया को जमादल उखरा बना दिया, फिर ये भी गलत था, फिर मैंने उसको बाद में सही किया बाकायदा।
तो इंसान इस तरह जो है वो इल्मी तौर पर तदरीज इख्तियार करता है तहकीक में। चाहिए मुराद यह कि जुमादल आखिरा मुराद है, तो शाबान के दरमियान जुमाद सानिया भी वैसे जायद है। अय्यो शाहर हादा कुलना अल्लाह रसूलुहु आलम फसका ताता जनन्ना अल्लाह अन्नहु सयसमी है बग़ैर इसमें ही काला अलैसा ज़ल हज्जा कुलना बला काला अय्यो बरदिन हादा काला अल्लाह रसूलुहु आलम फसका हत्ता जनन्ना अन्नहु सयसमी है बग़ैर इसमें ही काला अलैसल अलैसल बलदता कुलना बला काला अय्यो यौमिन हादा कुलना अल्लाह रसूलुहु आलम फसका ता जनन्ना अन्नहु सयसमी है बग़ैर इसमें ही काला अलैसा यौमन नहर कुलना बला काला फ़ैन दिमागकुम अम्वालकुम काला मुहम्मद या इब्न सीरीन मुराद हैं, मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं। व आसबहु काला व आराज़कुम अलैकुम हराम का हुरमत यौमकुम हाज़ा फ़ी बलदकुम हाज़ा फ़ी शहरकुम हाज़ा वसतलक़ौना रब्बकुम फ़यसअलुकुम अन अमालिकुम। ये है महल्ले शाहिद कि रब से मिलोगे और रब जो है वो तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे पूछेगा। अला फ़ला तरजिउ बादी ज़ुल्लाला, यानी मेरे बाद तुमने गुमराह नहीं बनना। यद रे वो बाद हुकुम रिकाब आबाद, इनके आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बस ये अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई, इसलिए उम्मत के अंदर ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ा फितना है। अला लियो बल्लगु शाहिदुल गायबा फला अल्लाह बाद अमन यबलगुहु अन यकूना औ आलहु मिन बाज मन समयाहु फ़काना मोहम्मद इज़ा ज़करहु क़ाला सदक़ नबी सल्लम क़ाला अला हल बल्लग तो अला हल बल्लग तो। चलिए इसका तर्जमा जो है वो जल्दी कर देते हैं ताकि एक दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है जो आपके लिए वादा करने की बात है। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जो होता है ना इंसान का दीन से जब लगाव कमज़ोर हो और इंसान जो है वो हीले फ्रेम में पड़ जाए, ये हीला जो है ये बहुत बड़ी गुमराही का बाइस है। और जो ख़ास तौर पर फुका हानफिया ने इस हीले को जो है वो बहुत गलत इस्तेमाल किया है। अब आप देखिए ना, कहने को तो मुफ्ती शफी साहब का ये बेटा है जिन्होंने सूद पर किताब लिखी है, तकी उस्मानी, अपने आप को शेख उल इस्लाम कहलाता है, लेकिन हालत यह उसका एक ही मिशन है कि तमाम बैंकों में जो है वो सूद को जायज़ कर दे और लोगों को जो है वो तैयार करता है। बकायदा बहुत बड़ी क्लास, सैकड़ों की तादाद में क्लास तैयार करते हैं और उसके अंदर जिनको तैयार करते हैं उनको बताते हैं कि ये सारा जो इसका सूद है ये हलाल कैसे होगा, यानी ये उनका मिशन है। और मुकाबले में वो बरेलवियों ने मौली मुनीबुर रहमान ने जो है यही काम उसने शुरू कर दिया है। तो अब कोई ऐसा जो है वो इदारा नहीं है जो इनको ये बताए कि असल में सही हक रिबा का क्या है। तो हमने अगर ये कमेटी बनाई थी, लेकिन मेरे तो हालात ही ऐसे हैं, कोई इदारती अमूर कोई इस तरह के और हालात, किस किस अमर की तरफ मैं तवज्जो दूँ, तो मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बुनियादी बातें जो हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे समझ दे दी थी, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश आना था, इसलिए मेरी तैयारी पूरी थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़े दुख की बात है कि कोई सूद पर जो है वो कोई काम करे। तो ये जो हीला फरेब है ना, ये तकी उस्मानी उसका इमाम है और इसने बड़े लोगों को गुमराह किया है। मिज़ान बैंक का तो ये करता धरता है सारा, वो बैंक भी सूदी है, यानी जितने इस्लामी नाम से बैंक चल रहे हैं वो तमाम के तमाम सूदी हैं। और चूंकि दूसरे बैंक जो है उनके अंदर तो कुछ लोगों को खौफ आ जाता है कि सूद है, ये जो बैंक अपने आप को इस्लामी कराते हैं ये उनसे ज़्यादा कामयाब है, धोखा भी देते हैं इस्लाम के नाम पर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह पनाह दे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, मैं और क्या कह सकता हूँ, बाकी अल्लाह हमें तौफीक दे। लेकिन जब हमारे अंदर शौक नहीं होगा तो किस काम की तौफीक होगी। मेरे अंदर जज्बा तो है कि मैं, लेकिन हर काम तो मैं नहीं कर सकता। अब मैं साफ सी बात है कि देखो अल्लाह ने मुझे तौफीक तो दी है, लेकिन इस हालत में दी है जबकि मैं अपनी जो कुवतें हैं जो हैं वो काफ़ी मुजमहिर कर चुका हूँ। यही इस वक्त मुझे ऐसे कई आवारज़ हैं, ख़ास तौर पर ये जो निस्यान का अर्ज़ है ये इलम के लिए बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चलिए मेरा काम तो चल रहा है, जब तक चलता है मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते ही रहना है। चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हेरा फेरी और हीले जो हैं ये जब ईमान कमज़ोर हो जाता है तो उस वक्त फिर हीले जो हैं वो चलते हैं। तो
ये जो आले किताब ने तो खैर तर्जमे कर कर के जो है तारीफ ही कर दी तौरात इंजील में। तो जो कुरैश थे ये अपने आप को दीन इब्राहिमी पर कहते थे, इन्होंने जो है वो दीन इब्राहिमी पर कहने के बावजूद देखिए इब्राहिम सबसे बड़े मुवाहिद थे और ये सबसे बड़े मुशरिक हैं। तो इन्होंने साथ ये काम किया कि जब इंसान शिर्क कर लेता तो उसके बाद मसाइल के अंदर तो फिर छूट मिल जाती है, जो मर्जी हेराफेरी करी। इन्होंने कई हेराफेरियाँ की हुई थी। एक तो इनकी हेराफेरी ये थी कि ये इस तरह की हेराफेरी करते थे कि 12 महीनों के अंदर 4 महीने जो हैं ये हुरमत के महीने हैं, और अगर तो ये हुरमत के महीने तो बहुत पहले से चले आते हैं जिस दिन से आसमान ज़मीन की पैदाइश हुई है, लेकिन इसका जो ख़ास एहतमाम किया है वो हज़रत इब्राहिम ने किया है। तो हज़रत इब्राहिम के नाम लेवा है, ये कहते हैं हम इब्राहिमी शरीयत पर हैं कुरैश मक्का। तो लेकिन इन्होंने क्या काम किया हुआ था कि कुरैश मक्का ने कि इनके अंदर बड़ी हेराफेरी करते थे। मिसाल के तौर पर हेराफेरी ये होती थी कि ये इनमें 3 महीने तो लगातार हैं, एक है जो है ज़ुल्क़ादा, एक ज़ुल्हज्जा और एक मुहर्रम। ये तो जो लोग हज से आते थे दूर दराज से उनके लिए थी कि भाई महीने महीने का सफ़र तय करके वो आते, ये 2 महीने का, तो जाते वक्त भी इस तरह सफ़र होता तो ये लोग महफूज रहें। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि इन्होंने उम्रे के लिए एक महीना रखा हुआ था, उसको बोलते थे रजब। और यह आपको इल्म होगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माइल की औलाद में फिर 2 कबीले हो गए थे, एक का नाम रबिया था और एक का नाम मुदर था। तो ये कुरैश जो है ये मुदर की औलाद में से हैं, तो इसलिए मुदर जो है वो इसका बड़ा एहतराम करते थे ये इन 4 ख़ास तौर पर रजब के महीने का, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया जी रजब मुदर, यानी मुदर का रजब रजब। तो एक तो हेराफेरी ये होती थी, और दूसरी हेराफेरी इन्होंने ये की हुई थी कि ये देखते थे कि कमरी जो साल है वो चूँकि चाँद से मुतालिक होता है, और चूँकि इस्लाम आलमगीर है इसलिए इस्लाम ने जो है वो आलमगीर शरीयत होने की बिना पर जो अंदाज अपनाया है मसाइल के अंदर वो अपनाया है जिसको हर आदमी जो है वो उसको देख सके, फ़ायदा उठा सके। ये जो है ना कि सिर्फ साइंसदानी उसे फ़ायदा उठाएं, फलसफी फ़ायदा उठाएं, इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है। इस्लाम चाहता है कि वो चीज़ें जो ज़ाहिर बाहिर हों उनसे फ़ायदा उठाएं। यही वजह है कि जो नमाजों के औकात हैं उनका ताल्लुक सूरज से है। अब सूरज को हर आदमी देखता है तो सूरज से नमाजों के औकात मुकर्रर कर दिए। अच्छा तो दिन का तो सिलसिला जो है वो औकात का वो नमाजों से हो गया, और रात का जो सिलसिला है वो सितारों से हो गया, और जो महीने का मामला है उसका ताल्लुक चाँद से कर दिया। इसलिए कि चाँद जो है वो अपनी शक्ल में पहले बारीक होता है, फिर मोटा होता होता, फिर 14वीं रात को जो है वो पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि आखिरी 2 दिन चाँद नज़र नहीं आता तो शाम को जो है वो फिर चाँद नज़र आ जाता है। तो ये चीज़ें वो हैं जिनको हर आदमी देख सकता है, देहात हों शहर हों कहीं भी हो, ये चाँद सूरज का जो हिसाब है, सिवाय इसके कि कुतुबैन के अंदर जो है वो चूँकि इस तरह का हिसाब नहीं है इसलिए उसके लिए अलग मसला है। तो कहने का ये जो, लेकिन अब सूरत हाल किया है कि ये जो इनके पीर है ना, उन पीरों को एक बड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए कि पीर जो है वो ऐसी फ़ज़ा बनाते हैं कि लोग उनके लिए नदर नियाज जो है वो लेकर आएँ। तो ये जो चाँद का महीना है ये फसलें इसके मुताबिक नहीं होती, फसलों का ताल्लुक ज़्यादा सूरज से है। तो अब इन्होंने पीरों ने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे हम ये जो सूरज का जो ताल्लुक है उसके साथ हम जो है वो चाँद को कैसे सेट करें। तो उन्होंने एक काम और कर लिया, वो ये कर लिया कि वैसे आपको बताऊं कि सूरज के तो दिन होते हैं साल के 365 पूरे नहीं, उसके बाद 1/4
एक बड़ा चार दिन और होता है, तो ये तो दिन होते हैं। और चांद के जो दिन होते हैं वो 354 या 55, 10 दिन का फर्क होता है, कभी 11 दिन का फर्क होता है। तो चांद के जो है, उन्होंने फिर चांद और सूरज का हिसाब पूरा करने के लिए, ताकि ऐसा हिसाब हम करें कि हमेशा ये लोग जब हज वगैरह के लिए आए तो इनके लिए आए तो नजर व न्याज देकर आए, तो मौसम का ध्यान रखते हुए इन्होंने एक नया काम जो है वो शुरू कर दिया। वो ये कर दिया कि हर 3 साल के बाद जो है ना वो 1 महीने का इजाफा कर दो, और फिर 36 साल के अंदर जो है वो एक साल का इजाफा कर दो। बल्कि हालात ऐसे हुए कि इन्होंने जो है वो 36 साल का जब बनाया ना, क्योंकि ये 32 साल के अंदर जो है वो 1 साल का फर्क पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने 36 का साल इसलिए बनाया था कि एक हज खा गए, यानी 36 साल के अंदर हज 35 होते थे। अच्छा। तो इस तरह से है जी, एक बढ़ा दिया, निकम कर दिया, 36 साल के अंदर 35 हज इनके हिसाब किताब के अंदर। तो ये उन्होंने इस तरह की बहुत गड़बड़ें की थी। तो कुरान मजीद के अंदर इसके बारे में इन इद्दत शहूर इंदिल्लाह इसना आशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक समावात वल अर्द मिन्हा अरबातुन हुरुम ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, इसके अंदर कुरान मजीद का बड़ा ज़ोरदार लफ्ज़ है, ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत ज़ाबता है। यहाँ दीन से मुराद ज़ाबता लिया गया है, तो यहाँ दीन से मुराद इससे मालूम यह हुआ कि ये जो ज़ाबता बंदी है, हालांकि ये है तो इसका ताल्लुक हिसाब किताब से, तो हिसाब किताब भी जो है वो भी दीन का हिस्सा है, एक तो ये आप समझिए। तो खैर वो बात दरमियान में आ गई, वला के नाक सारा ना से पढ़िए जी हाफिज़ साहब, मैं तो जब तोड़ के पढ़ूँ तो मुझे तो दुआ भी भूल जाती है तोड़ कर। فقات فقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين آگے انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله اس یہ جو ہے نا نسی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لیے 3 لفظ جو ہیں وہ اور مشہور ہیں एक लफ्ज़ है कबीसा कबीसा, दूसरा लफ्ज़ है लौंद, अल्लाहु अकबर, आप देखिए ना, तीसरा लफ्ज़ मेरे जहन में घूम रहा है लेकिन आ ही रहा, चलिए लीप, अंग्रेजी में इसको LEA लीप पी लीप कहते हैं, अलीब का साल, लोंद का साल, कबीसा का है जी, वो शेर बनाया ना फरवरी जब लीब का आया 28 पर एक बढ़ाए, हाँ एक बढ़ाए। तो कहने का मकसद असल में ये है कि इसके अंदर ये जो है ना ये हिल्लू ना हो आम हर्रमन और आमन का असल मफहूम ये है कि मुहर्रम के बारे में क्या ज्यादती करते थे, क्योंकि ये थे जंगजू लोग और सहराई लोग जो हैं वो लड़ाइयाँ बहुत करते थे। तो अब ये बाद एक साल कहते हैं कि इस दफ़ा मुहर्रम जो है वो लेट कर दो 1 महीना, तो मुहर्रम को लेट कर देते थे और लोगों पर हमला कर देते थे, इसलिए कि ये जो 4 महीने इनके अंदर हमला करना तो मना है। तो यह हिल्लू ना हुआ आमा यू हर्रम ना हुआ हराम, और अगले साल कहते थे कि नहीं अब मुहर्रम उसी तरह जो है वो ज़िलहज्जा के बाद मनाओ। तो ये सारा खेल किया हुआ था, और ये अगर आप खेल देखना चाहते हैं तो फिका हनफी पूरा यही खेल है। ये जो महीनों की तब्दीली का नोटिफिकेशन है, ये कुरैश की तरफ से जारी होता था या कोई भी कबीला? नहीं, कुरैश की तरफ से। असल में आपको पता है कि ये हिस्सा है तो हिस्सा दीन का, लोग हज के लिए उमरे के लिए आते थे। तो ये अच्छा, ये जो मुजावर होते हैं ये भी तो बैतुल्लाह के मुजावर थे ना, और आप देखिए कहीं ये माशाल्लाह बिशरा बीबी जो है जो पाक पठन की मुजावर है, पूरे नहीं आप तो लेकिन आपको ये बताऊं कि इमरान खान का इंतखाब है, उससे एक दिन पहले यहाँ पहुँची है रिया जवेरी के मज़ार पर। खैर वो तो जायला औरत है, इसी उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाज़ बातें उसकी ऐसी हैं जो वाकई तहजीबी तौर पर पूरे पाकिस्तान में जो है वो
इस मर्तबे की औरत जो खातून अव्वल हो उसने पर्दा नहीं छोड़ा। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो बदमाशी है वो तो बेपरदगी है ना, इसी से तो फसाद फैलता है। उस औरत ने पर्दा नहीं छोड़ा। जी हाँ, उसको तो मार पड़ी हुई है वैसे, अल्लाह उसे हिदायत दे। छोड़िए आप बस। अच्छा जी, यानी तर्जमा अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसके अंदर यह है कि साल 12 महीनों का है, उसमें 4 महीने हैं, 3 पैदर पे हैं और 1 रजब मुदर है जो जुमादा और शाबान के दरमियान है। फिर आपने पूछा कि भी कौन सा महीना है, तो उन्होंने ये समझा कि शायद नाम बदलेंगे आप, तो आपने कहा कि क्या जिलहज्जा नहीं है, उन्होंने कहा जी है तो यही। फिर उनका कौन सा शहर है, तो फिर ये ख्याल हुआ शायद नाम बदल देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बलदा है, बलदा से मराद मक्का मुकरमा है, कि मक्का मुकरमा ही है, क्योंकि मक्का मुकरमा बल्द जो लफ्ज़ है ना बलद का, ये आमतौर पर जो आबादी वाले शहर होते हैं उनको कहा जाता है, और इसके मुकाबले में करिया है जिसमें देहाती जो इलाके होते हैं। तो फिर आपने फरमाया कि दिन कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि वही अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा क्या यौम नहर नहीं है, तो हमने कहा क्यों नहीं, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे खून तुम्हारे माल जो हैं वो मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि मेरा गुमान ये कि आपने इसके अंदर इज्जतों का भी जिक्र किया है, तो ये तुम्हारे ऊपर इस तरह हराम है जिस तरह आज का दिन आज के शहर में और इस महीने में। ये यौम नहर, असल में यौम नहर को इसलिए दिया है कि जो अरफात का दिन है तो बहुत मरतबे वाला वो भी, लेकिन उसकी जगह हरम नहीं है जी, काम भी कोई नहीं है, काम तो खैर है, जोर से लेकर मगरिब तक आप क्या करते हैं, दुआ नहीं, दुआ को छोटी सी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही दुआ है, कुल माया बाबुकुम रब्बी लौला दुआउकुम, मगर तुम्हारी दुआ ना हो तो रब को तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। तो इसलिए जिस दिन जो इस दिन के अंदर अल्लाह जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं और कोई दिन नहीं है, लेकिन फजीलत के अतबार से यौम नहर इसलिए बढ़ गया है कि वो होता है मीना के, लोग उसको हज में मीना के अंदर होते हैं, तो मीना जो है ये हरम है। तो इसलिए आपने ये जब तकरीर की है तो ये यौम नहर का खुतबा है, तो इसलिए आपने ये फरमाया कि सबसे बेहतर दिन जो है वो नहर का है। लेकिन अब इससे एक और मुगालता भी पैदा होता है, वो ये है कि उसके बाद यौमुल क़ारिल अव्वल वो 11 ज़िलहज्जा है और फिर सानी जो है वो 12 ज़िलहज्जा है, तो बाद हदीसों में आता है कि इसके बाद जो है वो हाँ जी असुमल कर के वो जो 11वीं तारीख है, लेकिन जो है वो आपने जो है वो अयाम तहरीक के अतबार से उनका जिक्र किया है, लेकिन वैसे यौम नार के बाद दर्जा आता है यौम अरफा का, इसलिए कि इसका इनका तो आपस में तकाबली मुताला है, तकाबुल है इनका। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि ये अच्छा, उसके बाद ये है कि वो कहते हैं कि तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, फिर तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा अल्लाह जो है, तो इसमें मुलाकात में वो महल शाहिद आ गया, तो अला फला तर्ज उबादिज़ुल्लाला, मेरे बात तुम जो है वो गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दें मारने लगो। फिर उसके बाद लफ्ज़ है कि मैंने जो बातें की हैं, ख़बरदार जो तुम्हें इस वक्त मौजूद है, जो गैर मौजूद है उसको ये बातें पहुँचा दे। तो आपने फिर एक बड़ा अहम कलमा बोला है, फला अल्लाह बाज़ मन यब लोगो अन यकूना औ आलहू मिम बाज़ मन समया हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिसने सुना है वो इतना समझदार नहीं होता, और जिसको वो सुनाता है वो इससे ज़्यादा समझदार होता है, इसलिए कि इंसानों के मिजाज मुख्तलिफ हैं। एक आदमी लेकर गया, उसने बात जो है वो जाके सुनाई, दूसरे आदमी ने जब ये बात सुनी तो उसके अंदर वो गहराइयों में चला गया जो है। तो इसलिए आपने फरमाया कि बाज़ ख़बरदार ये जो हाजिर है वो गैब को पहुँचा दे,
और ये बहुत तवक्को है कि जिसने पहुंचाया है जी नहीं अन्यकूना आउ आलहु मिन बाद, यानी जिसने नहीं जिसको पहुंचाया है, मन जो है ये मफूल है बात जब लोगों हुए है ना, जिसको वो पहुंचाता है बहुत तवक्को है कि वो ज़्यादा याद रखने वाला हो उससे जिसने सुना है। सही, ये लफ्ज़ वाई जो है ना, ये जो है इसका माना अगर आप समझ लें, इससे बड़े लोग मुगालता खाते हैं। वाई के माने आमतौर पर किए जाते हैं हिफ़ज़ के, वाई हकीकत में हिफ़ज़ से इसका बड़ा फ़र्क है माने का। वाई जो है वो असल में एक चीज़ को अहमियत देकर, एक चीज़ को अहमियत देकर उसको महफूज करने को कहते हैं। आपने लफ्ज़ पढ़ा ना व्या, व्या क्या होता है? नहीं नहीं, व्या उस बर्तन को बोलते हैं या उस मशक को बोलते हैं जिसके अंदर पानी जो है वो महफूज किया जाता है, फिर उसको बांध दिया जाता है। तो इसलिए जो लुगत के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इसका असल जो है वो हिफाजत है, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ अहम होती है, इसलिए कि ये जो पानी है ना, ये अगर आप सोचें सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर कीमती चीज़ पानी है। तो इसलिए व्या के अंदर दो मफहूम पाए जाते हैं, एक जिसकी अहमियत हो और वो काबिल तवज्जो होता है, तो इसलिए इसका मफहूम होता है कि तवज्जो करके समझ कर फिर उसको महफूज रखना। तो इसलिए जो आपने लफ्ज़ बोला है ना, देखिए जिसने पहुंचाया है उसने तो खाली बात पहुँचाई है ना जी। उसके जो नतायज हैं इससे दलालात और सारी वो शख्स कर रहा है जिसके पास ये बात पहुंची है। और इससे अंदाज़ा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद जो लोग आने वाले हैं उनकी तरफ इशारा है कि सहाबा ने तो पहुँचाया है, लेकिन उन लोगों ने जो है वो इसमें गौर फिक्र करके जो है एक तो तवज्जो दी है और इसके अंदर नए से मानी जो हैं वो उन्होंने निकाले हैं और इसके साथ साथ फिर उसको महफूज भी रखा है। तो ये इज्तिहाद की जो है फजीलत के लिए ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि मैंने जो है वो अबू नज़र, आपको शायद पता क्या नहीं, मेरी कुनियत अबू नज़र है। तो अबू नज़र कुनियत जो है वो मैंने इसलिए रखी कि जब वालिद साहब ने मुझे बुखारी शुरू कराई ना, तो उस बुखारी के ऊपर लिखा हुआ था नज़र अल्लाह उमरान समयाहू फवाहा। तो ये दो लफ्ज़ जो है ना, नज़र और व्याह, ये फिर मुझे वालिद साहब ने समझाए थे कि इनका मफहूम क्या होता है। आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये उनका, उनसे मैंने उनका फैज है। चूँकि वो छोड़ते नहीं थे, वारिस साहब जो थे ना वो असल में लुगत में मौलाना मोहम्मद सूरती के शागिर्द थे। अच्छा। तो मौलाना मोहम्मद सूरती जो थे वो बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े अरबी ज़बान के तीन हिंदुस्तान के अंदर माहिर हुए हैं, तीनों ही अरबी से, मोहम्मद सूरती, अब्दुल अजीज मैमन और तीसरे में ख़ालिद मसूद आलम नदवी। ये तीनों अरबीस, अगरचे इनके करीब करीब अबू हसन नदवी भी हैं, सुल्तान नदवी जो हैं वो असल अरदीस थे, बाद में फिर जमात इस्लामी में शामिल हो गए तो मौलाना मौदूदी की खिदमत करने लगे जो है, वैसे असल तो अरदीस थे। इसीलिए इनकी वो जो किताब है ना हिंदुस्तान में पहली इस्लामी तहरीक, उसके अंदर उन्होंने सारा मुजाहिदीन का जिक्र किया है, उन मुजाहिदीन का जो हज़रत इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद के जो वरसा जानशीन हैं उनका जिक्र किया है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि मोहम्मद सूरती जो थे ना, ये हमारे वालिद साहब का बड़ा शौक़ था कि हर चीज़ के अंदर जो है वो लुगत में अंदर गहराई में चले जाते थे, और चूँकि उनके मिजाज के अंदर जो खूबियाँ अल्लाह ने दी हुई थी कि एक तो मिजाज बड़ा गहरा था और दूसरी खूबी जो है वो ये बहुत थी कि जब बात बयान करते तो बहुत ही आसान अंदाज में बड़े ही मुरतब तरीक़े से, तो इसलिए उस्ताद वो बड़े कामयाब थे। चूँकि इतना मरत, यानी आप देखिए कि मैं बिल्कुल जाहिल, तो मुझे वाला माँ के साथ बिठा कर जो है
बुखारी तो खैर नहीं पढ़ाई, मुझे सारे जो फ़नी उलूम हैं वो तो मैंने उलमा के साथ पढ़े हैं, हाफिज़ अब्दुल्कादर रोपड़ी, वो जो मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी के साथी, नहीं मौलाना अब्दुलरहमान मुबारकपुरी के जो साथी थे, मोहम्मद को कंगनपुरी, ये किधर है वो हमारा कंगनपुर का, वो बैठा हुआ है दूर जाके। मुझे कंगनपुर से प्यार है असल में मौलाना मोहम्मद कंगनपुरी की वजह से, ये हमारे रहमानिया के पहले शेखुल हदीस हुए हैं, मेरे वैसे ये साथी भी थे, हमने इलम भी इनके साथ ही पढ़ा था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इलम उलमा के साथ जब पढ़ा तो 3 साल के अंदर मैंने मुकम्मल कर लिया, फिर हदीस की किताबें मेरी जो है वो रह गई थी, वो मैंने ज़्यादा हाफिज़ुल्लाह साहब से पढ़ी हैं। हाँ लेकिन ये रमानिया यहाँ नहीं था, ये कज़ाफ़ी सर जी के सामने होता था उस वक्त। चलिए जी, तो मैंने आपको ये बताया है कि वाआ का जो मफहूम मैंने आपके सामने पेश किया, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इससे मुराद इसके अंदर तवज्जो भी होती है और तवज्जो के साथ साथ उसकी हिफाजत भी होती है, और ये दो खूबियाँ लोगों में आमतौर पर जमा नहीं होती, जिनमें तवज्जो ज़्यादा होती है उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जैसे मौलाना मौदूदी हो गए या और बड़े बड़े लोग जो हैं वो, अब शेख इब्ने बाज़ भी उन लोगों में शामिल हैं, याददाश्त भी बहुत अच्छी थी, और अबू कलाम आज़ाद की भी यही सूरत हाल थी कि याददाश्त बहुत अच्छी थी, और ये गामदी को भी अल्लाह ताला ने ये बन गया तो फितना, लेकिन इसकी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, याददाश्त भी बहुत अच्छी है और सोच विचार भी बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि भटक गया युज़िल्लु बिही कसीरा मयाह देवी कसीरा में जो है वो युज़िल्लु बिही कसीरा में शामिल हो गया, क्योंकि ये जो याददाश्तें और सलाहियतें होती हैं ना यही फितना बन जाती है। आप देखिए कि परवेज़ का फितना, मुतनबी का फितना, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े फितना परवर लोग रहे हैं बड़े बड़े ज़हीन लोग हुए हैं, सर सैयद कम है, इतना मुतकब्बिर कहता है कि जब आज अफलातून होता तो मेरे मदरसे का एक अदरा तालिब इल्म होता, इसको शेर है, मुझे शेर तो खैर याद नहीं रहते, तो इतना मुतकब्बिर है। कौन आपको पता नहीं है कितना ज़हीन आदमी था, ये जहानत ना होती तो ये फितना ना बनता, बहुत ज़हीन आदमी है। वो अलग बात है कि उसको सज़ा तो अल्लाह ने दे दी कि उसको घर के अंदर मरना नसीब नहीं हुआ, बेटे ने निकाल दिया था, बाहर इसकी मौत हुई है, और बेटा जो है इसने पढ़ाया वहाँ इंग्लैंड से, वो बैरिस्टर था और वो हाई कोर्ट का जज बन गया, और उसने बीवी कर ली वहाँ से, अब इसको वो घर में रहने नहीं देता था बाप को, और इसीलिए इसकी मौत जो है वो घर से बाहर हुई है। हाँ जी, अपना मिशन पूरा कर गया, वो तो गुमराही का मिशन था ना नहीं ये क्या बात हुई, शैतान से ज़्यादा कामयाब कौन है गुमराही के मिशन में, भला का सद्दक अलैहिम इब्लीस जानना हो। चलिए जी, अल्लाह अकबर, आपका जो है ना मामला किधर गए हैं, अपना अब्दुर्रहमान अजीज साहब।